गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मम्मी। यहाँ पे मॉर्निंग का वक्त हो रहा है, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लंच के लिए सब्ज़ी फ्राई कर दी, आलू गोभी मटर की, और साथ के साथ पराठे बनाते जा रही हूँ। पराठे बन ही गए लगभग मेरे, और एक तरफ मैंने यहाँ पे ये देखिए पराठे बन गए हैं। और आप सब कैसे हैं बताइएगा, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ चाय बन गई है, यहाँ पे सब्ज़ी तैयार होने के बाद मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। अभी मैं जो गैस का चूल्हा है वो क्लीन कर रही हूँ, खाना बनाने के बाद मैं कर लेती हूँ रेडी। छोटा सा प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको क्लीन करने में, बस इसकी भीड़ से लगे हुए तो पानी थोड़ा नीचे गिर। जैसे मैंने बताया कि बर्तन की पहले हैबिट नहीं थी, कोरोना की वजह से ये बर्तन करना पड़ता है। हाउस हेल्प नहीं लगवाया हम लोगों ने दोबारा, तो बस मेरे बर्तन हो गए हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है, गैस साफ़ हो गई है। ये है मेरा छोटे से किचन का छोटा सा प्लेटफॉर्म। बर्ड वाला खिलौना था। अच्छा, वो फ्लाइंग बर्ड वाला। हाँ। सच तो नहीं था, अधिवाल चांदी चल जाए तो थे देना। ये सो गाइज, अभी बेड बनाना पड़ेगा, शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन देव ने काफी बिखेर के रखा हुआ है आज पापा, ये तो बेड ठीक करनी पड़ेगी, बेड बनाना पड़ेगा। ये वाला पसंद बनाया आज पापा। अब देव आप लोगों से बात कर रहा है, सुनिए इसकी कन्वर्सेशन। पसंद बनाया आज पापा, बोलो। फेस ही नहीं दिख रहा बेटा, ये वाला। अच्छा, ये मुझसे उस दिन पानी में डल गया था। हाँ जी, तो ना इसलिए ये ना फटने से सनम हो रहे। हाँ जी, तो धूप में सुखा ना पाया मम्मी। हाँ जी, वहाँ सामने लद्दूँ खिड़की पे तंदा से सूख जाए ना, अरे यही सूखता तो दूसरा पसल था ही ना पाया चांदी चौक से, इसके बिना पसल नहीं बने जो बन सकते हैं। पजल जी यहाँ पे भी मिलते हैं, हर बार पजल खरीदने के लिए चांदनी चौक जाने की जरूरत नहीं है बेटा। उस दिन कितना थक गया था याद है ना? वह उस दिन से ये भी याद आते हैं कि पजल खरीदा था। अच्छा, पस्ती बोला था ना खिलौना था, उड़ने वाला पस्ती नहीं था, पस्ती वाला खिलौना था। हाँ जी देखा तो बटन है। सब्सक्राइब लाइक नहीं मांगेगा? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ना। अरे लक्ष्मी गणेश जी जो लक्ष्मी पूजा के लिए लाए थे, कितनी प्यारी मूर्ति है ना, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है। कुछ सालों के लिए हम लोग कवर्धा रहे थे छत्तीसगढ़, वहाँ पे इतनी प्यारी मूर्तियाँ नहीं मिलती थी मिट्टी की। ये इको फ्रेंडली मूर्ति है मिट्टी की। ये है मेरा मंदिर, कितना अच्छा लगता है ना। आपके पास भी अगर पूजा मंदिर हो जाए तो, हमारे पास नहीं था, हम अपने भगवान जी को पाटे पर या चौरंग पर ऐसे ही रखते थे। दिया जल रहा है यहाँ? हाँ बेटा, ज्योत जल रही है। तेल डालो उसमें थोड़ा। नहीं नहीं इसमें है अभी तेल, तो हम ज्योत जलाने के लिए तिल का तेल यूज करते हैं। ये वाला तिल का ऑयल शुभ माना जाता है पूजा के लिए, भगवान जी को अति प्रिय होता है इसका दीपक। या तो आप घी यूज करो गाय का, या फिर तिल का ऑयल। तो हम लोग डेली तो तिल का ऑयल यूज करते हैं, त्योहारों पे घी का दीपक जलाते हैं। यहाँ अंदर में बाहर से नहीं दिख पाएगा इसलिए मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। इस फोटो में सारे भगवान जी आ जाते हैं, ये जरूर रखना चाहिए घर में, बहुत शुभ होती है। कुबेर देवता, लक्ष्मी मैया, गणेश जी, ये हमारा छोटा सा राम दरबार, ये हमारे सारे भगवान जी, बाल गोपाल। सो गाइस, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। ये देखिए इतना सारा ऑयल लगा हुआ है मेरे फेस पे नहीं सॉरी सिर पे, ये सारा फेस पे उतर रहा है। और मैंने मॉइस्चराइजर भी लगाया हुआ है तो इसलिए भी मेरा चेहरा थोड़ा ऑयली ऑयली, और हम दोनों चिपको चिपको दिख रहे हैं। इसका तो ऑयल ऑब्जर्व हो चुका है, तो चिपको नहीं दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। वो है सुरन, कल बनेगी सुरन की सब्जी। हमारा सिंपल सा खाना, छिलके वाली फ्राई मूंग दाल, चावल, रोटी और सलाद, दैट्स इट। कभी कभी हल्का खाना भी खा लेना चाहिए,
वैसे भी फेस्टिवल में रोज हैवी हैवी हो ही जाता है। ऐसे भी ताला पीता लगा ले हैवी बना ले। कल रंगोली भी बनाएंगे दूसरी वाली, वो वाली रंगोली को चेंज करेंगे। और मैं पूछना भूल जाती हूँ, आप लोग कैसे, आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग कैसे हैं। आज चलते हैं किचन में। नहीं अभी किचन में नहीं जाना है बेटा। आई होप आप सब खैरियत से ही होंगे, होंगे क्या, सब खैरियत से ही हैं और अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस बार हम लोग अपने घर वालों को थोड़ा मिस कर रहे हैं, मैं नहीं जा पाई, हम लोग नहीं जा पाए, हम तो तीनों ही जाते हैं साथ में बिकॉज ऑफ कोरोना। यहाँ से जाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब ट्रेन वगैरह भी बंद है, तो मम्मी जी सभी रूटों पे स्टार्ट नहीं हुई है अभी, और उतना लंबा सफर एमपी का बाराशन यहाँ से काफी दूर है, बच्चा छोटा है तो अभी उतना रिस्क लेना ठीक नहीं है उसको लेकर, सेफ्टी रीजन से अच्छा नहीं है, तो फिर हम लोग नहीं गए इस बार। नहीं तो हम लोग लक्ष्मी पूजा करके जरूर जाते थे पापा जी मम्मी जी से मिलने, अभी पता नहीं कब जाना होगा। आई होप हालात सुधर जाए तो हम भी अपने घर वालों से मिल पाएंगे। फेस्टिवल में अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट अब क्या कर सकते हैं। उनकी सब्जी स्वीटू को पूड़ी और चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसे भी पसंद है, लेकिन स्वीटू कल खुश हो जाएंगे सुरन की सब्जी खा के। इसको दिन में कम से कम 10,000 बार झप्पियाँ चाहिए होती हैं, जब तक ये झप्पे पानी नहीं था पापा मम्मी को तब तक इसको चैन नहीं पड़ता है। और ये ऐसे करने इसका फेवरेट काम है, इसको बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। दूसरे के गाल आंख भले ही दर्द हो जाए ये खुश हो जाता है, एकदम हैप्पी फेस हो जाता है, आप देख सकते हैं। यही है वो बच्चा जो अपनी माँ के गालों को चीरता है इस तरीके से। बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं कुकर की देख लेती हूँ, एक सीटी बाकी, फिर कुकर गैस ऑफ करना है, दाल फ्राई करूँगी। ये भी ऑफिस से आते ही होंगे, टाइम हो ही गया है। हाँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देव को पजल बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रोज़ अलग अलग पजल के डिज़ाइन बनाता है, मैं शेयर किया करूँगी टाइम टाइम पे आप लोगों से। अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो घर पे देव क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वो आपका जाना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कमेंट किया था कि मैं सबको शेयर नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं सबको शेयर करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही हूँ, बट शेयर में कोशिश सब कुछ करने की करती हूँ। ले आए स्वीटू। हाँ, दो मनी प्लांट जी, तेरा मीठा नीम का पेड़ आ गया। हाँ जी, एक और था ना मीठा नीम, पर वो सूख रहा था, वो सूख है यार। और क्या लाए? मटर और टमाटर जो आप बोले थे जी, और तो कुछ नहीं बोले। एलोवेरा, एलोवेरा वो अच्छा नहीं था, एलोवेरा का कोई बात नहीं। तन में ले ली, गिफ्ट ला ले पापा। क्यों, कल क्या है? कल तो वही है जो तेरा बड़ सावित्री का व्रत है कल। आपके पैर कितने प्यारे ना, कभी नहीं फटते, आपके पैर कितने प्यारे कभी नहीं फटते, इतने सुंदर नहीं दिखते। प्लांट में बेसिकली जब पहले ज्यादा फ्लोटर्स पहने लगा था ना बीच में, कवर्धा में, जब कवर्धा में, तो मेरे पैर थोड़े से खराब हुए हैं, उसी समय कलर भी बहुत डल हुआ है, वरना ये कलर देखो शादी के समय का, एंगेजमेंट के समय का। भगवान ने पेडिक्योर मेडिक्योर करके भेजा था मेरे को, खैर वो जूते पहन के ठीक हो जाएगा। इन कलर आपका बहुत ज्यादा डल हुआ है इतने सालों में। भाई तुझ में गिफ्ट देते हैं ना। अच्छा यार, ये वाला लॉस है मेरा, कटता मैं हूँ दोनों तरफ से। कटना मेरे को ही है। चलो हमें हाथ फ्रेश होगा, हटो। नाश्ते में ब्रेड बटर जैम का नाश्ता होगा। ये आ गई है मटर टमाटर, ये इसका पजल बनाना शुरू है अभी, बहुत प्यारे प्यारे पजल्स बनाता है ये। ये रही स्वीटू की कॉफी और स्वीटू का पानी। चावल बन गया है, ये तो बनाते समय मैं जब दाल को कुक किया था तभी ऐड कर दी थी, बॉईल करके रखी थी तब कुकर में,
अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स कर दूंगा पानी निकाल। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बची हुई दाल भी इसमें डल जाएगी। और जब ये बॉईल हो जाएगी तो इसमें धनिया ऐड करेंगे। फिर बन गई हमारी सिंपल सी कम तीखी वाली मूंग की फ्राई दाल। आज इसमें तड़का नहीं दूंगी मैं अलग से, क्योंकि सबको सिंपल खाना है। बाकी कल तो सब लोग खाएंगे, कल हमारे यहाँ बनेगी सूरन की सब्जी, सबको पसंद है सूरन, जिमीकंद, सेम चीज। और पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते दिल्ली में, वो शॉप वाली क्या बोलते, ऑल कुछ तो बोल रही, समझ ही नहीं आया। बेसिकली हिंदी में जिमीकंद है, और बेसिकली बहुत सारी बेल्ट के लोग रहते हैं, वो बेचने वाला जिस बेल्ट का होगा ना वो उस बेल्ट का नाम जरूर लेगा वो। सूरन सबको पता होता ही होता है, सूरन और जिमीकंद। बस ये दो तीन बॉईल में रेडी हो जाएगी, धनिया बस डालना है इसमें। ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, फेस्टिवल मतलब दिवाली के कुछ टाइम बाद का, लेकिन तब नहीं शेयर कर पाई थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा अब शेयर करना चाहिए। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और मेरे स्वीटू ने जो आपको तीन लोगों वाली बात बताई है वो ज़रूर फॉलो कीजिए, और जो सलमान सर के फ़ैन है वो तो कीजिए, और जो हमारे सब्सक्राइबर है व्यूअर्स हैं वो भी कीजिए। जय माता दी, लव यू ऑल, ओम नमो नारायण, रब राखा, सत श्री अकाल जी, गुड नाइट।